तो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मेरी टीवी। तो यार एक तो सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि इतने दिनों से कोई वीडियो नहीं आ पा रही थी, क्योंकि देखो यार मैं एग्ज़ाम में बिजी चल रहा था। तो और यार काफ़ी कुछ चीज़ें भी हो गई थी हमारे कॉलेज में, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था मैं। पर अब से ज़रूर रेगुलर रहने की कोशिश करूँगा सर, फिर से एक बार सॉरी। तो यार देखो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीटा बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट और शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, उसका क्लासिफिकेशन याद कर पाना इतना इजी नहीं होता है। देखो तो हम लोग आज बीटा ब्लॉकर्स के निमोनिक कारण देखेंगे, ठीक है? तो देखो सबसे पहले ये हमारा क्रेडिटी का चार्ट हो गया, हम लोग इसी को याद करने वाले हैं। देखो इसके दो क्लासिफिकेशन है, एक जनरेशन वाइज और एक सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव के बेसिस पे। हाँ हम लोग मेनली फर्स्ट वाला याद करने वाले हैं बिकॉज ये काफ़ी ईजी है। देखो सबसे पहले हम बीटा ब्लॉकर्स को दो हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं, पहला हो गया नॉन सेलेक्टिव और दूसरा हो गया कार्डियो सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव को हम लोग दो तीन हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। देखो तो पहला हमारा आता है विदाउट आईएसए। आईएसए का मतलब होता है इंट्रेंसिक सिम्पेथोमायोमेटिक एक्टिविटी, और देन सेकेंड हमारा आता है विथ आईएसए, और थर्ड हमारा आता है विथ अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। ये अल्फा रिसेप्टर को भी ब्लॉक करते हैं क्योंकि नॉन सेलेक्टिव है। तो देखो हम लोग इसको कैसे याद करने वाले हैं इतने सारे सब में। देखो सब लोग बीटा ब्लॉकर में आपको ये बोलते हो कि सब लोग में लॉल लॉल होता है, तो याद कर लो। अब भाई इतने सारे लॉल है, कौन सा कार्डियो सेलेक्टिव है कौन सा नॉन कार्डियो सेलेक्टिव है कैसे आपको पता चलेगा? सर वो पता चलने वाला आपको इस निमोनिक के थ्रू। तो यार चलिए शुरू करते हैं। आपको बस याद रखना है एक पूरा टर्म है, सॉल्टी प्रोटीन विदाउट आईएसए, ठीक है? सॉल्टी प्रोटीन विदाउट आईएसए, ये काफ़ी ना बॉडी बिल्डर वाला निमोनिक है, ठीक है? तो आपको जो भी मेरे दोस्तों का जो एक्सरसाइज करते हैं वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। देखो सॉल्टी प्रोटीन विदाउट आईएसए। देखो आईएसए क्या होता है, आईएसए आपने सुना होगा आईएसओ मार्क होता है जो एक हर प्रोडक्ट में लगा रहता है, तो वही आईएसओ की तरह ही आप लोग इसको आईएसए याद रख सकते हो। तो सॉल्टी प्रोटीन विदाउट आईएसए इज बेटर देन कार्लास पिंटोला पीनट बटर। देखो पिंटोला पीनट बटर जिसको नहीं पता होगा, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पीनट बटर है, जो कि मेनली इसमें हाई हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से मेनली बॉडी बिल्डर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारा सेकंड टाइम है वो है कार से निकला बॉडी बिल्डर कैबमैन, ठीक है? क्या हमारा निमोनिक है, सॉल्टी प्रोटीन विदाउट आईएसए इज बेटर देन कार्लास पिंटोला पीनट बटर, कार से निकला बॉडी बिल्डर कैबमैन। तो इससे हम लोग कैसे याद करेंगे ये देखते हैं। देखो पहली बार सुनोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अजीब तो लगे, लेकिन देखो मेरी तो आदत हो गई इसलिए तो मुझे इजीली याद है, पर आपको काफ़ी बार ये सुनना पड़ेगा, ठीक है? तो हम लोग याद करते हैं। देखो अब सॉल्टी का एस ए से हम लोग याद करेंगे सोटालॉल, और सॉल्टी के टी वाई से हम लोग याद करने वाले हैं टीमोलॉल, ठीक है? सॉल्टी सोटालॉल टीमोलॉल, फिर प्रोटीन से हम लोग याद करने वाले हैं प्रोपिनालॉल। तो ये हमारी हो गई विदाउट आई एस ए, मतलब इंट्रेंसिक सिम्पेथोमायोमेटिक एक्टिविटी विदाउट आई एस ए, इसमें इंट्रेंसिक सिम्पेथोमायोमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं है। देन हमारा जो सेकेंड टर्म था, सेकेंड टर्म क्या था, इज बेटर देन कार्लास पिंटोला पीनट बटर, इज बेटर देन कार्लास पिंटोला पीनट बटर। तो इससे हम लोग याद करने वाले हैं आईएसए के साथ, ठीक है? इंट्रेंसिक सिम्पेथोमायोमेटिक एक्टिविटी के साथ पिंटोला मतलब पिंडोलॉल, ठीक है? पिंडोलॉल जो है वो आई एस ए प्रेजेंट है उसमें, इंट्रेंसिक सिम्पेथोमायोमेटिक एक्टिविटी। देन अपना सेकेंड टर्म आता है वो आता है कार्ला, कार से हम लोग याद करने वाले हैं कार्डिबिलॉल, और कार्ला के लास्ट से हम लोग याद कर रहे हैं लिबिटोलॉल, और इसका जो एक ए छोटा दिख रहा है इससे हम लोग याद कर सकते हो अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है? तो ये हमारा हो गया सेकेंड वाला, इज बेटर देन पिंटोलास इज बेटर देन कार्लास पिंटोला पीनट बटर। देन हमारा थर्ड आता है वो आता है कार से निकला बॉडी बिल्डर कैबमैन। तो कार से हम लोग बोल याद कर सकते हैं कार से कार्डियो और एस ए से सेलेक्टिव। तो कार से निकला बॉडी, बॉडी से हम लोग याद करने वाले हैं बीटा बीटा जोलॉल, ठीक है? और बॉडी बिल्डर कैबमैन, कैबमैन से आपको पूरी जितना कैबमैन के सारे वर्ड्स हैं सबसे आपको याद करना पड़ेगा। सी से हम लोग याद करना है सेलिप्रोलॉल, ए से एटीनोलॉल, बी से बिसोप्रोलॉल, एम से मेटोप्रोलॉल, ई से एस्मोलॉल और एन से नेबिलॉल। तो ऐसे हम लोग ने याद कर लिया हमारे सारे बीटा ब्लॉकर्स को। देखो
देखो तो ये देखो इतना आसान नहीं होता है, पर इसको आपको इस वीडियो को एक दो बार दो तीन बार देखना पड़ेगा ना, तब जाके आपको इजीली याद हो जाएगा। देखो तो मैं इसका जो निमोनिक है इसको हम लोग मैं डाल दूंगा मेरे इंस्टाग्राम के चैनल पे, आप चाहो तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन लिंक है और डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो यार ऐसे यूजफुल वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कितनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स है यहाँ पर, और आप लोग पूरी जाके पूरा चैनल चेक करो, काफ़ी सारी ट्रिक्स हैं आपके लिए उसमें, ठीक है। तब तक ले, गुड बाय।